राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एसडीएम सदर कुलदीप मीना सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राजस्व वसूली बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा बकाया धनराशि को वसूल किया जाए जिससे राजस्व को बढ़ाया जा सके। डीएम ने कहा कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 12582 की इसमें 50% की वसूली हो चुकी है, इसको शून्य करा दीजिए, तो इसको भी शून्य करा दीजिए। 62,742 रुपए का है, दो ही आरसी इसमें चक्रवृद्धि देर दिखाई पड़ रही है। जो एक मद है उनमें से शून्य कराते जाएं। अब वाहन कर में अगर आते हैं तो सदर की आरसी में भी जो अभी शुद्ध अमाउंट है वो 8,266 रुपए की है, 8,405 रुपए की है, लगभग 1,25,00,000 बाकी है। चाहे तो नोट कर ले, चकबंदी दे, वाहन कर, आबकारी दे, इस तरह से एक एक मन शून्य करा दे। अन्य देय में ही सबसे अधिक होती है। अन्य देय के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अब हमारे पास मुश्किल से 7-8 दिन का समय है, इससे ही फिर हमारी वसूली पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो अभी 9 तारीख से 20 तारीख के बीच में इस महीने का जितना भी लक्ष्य है वो सब वसूल कराएं। हर तहसील में तहसीलदार न्यायिक भी हैं, वो चार फिर तो सब लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। विद्युत देय में हमारी रिकवरी नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन ओटीएस हो जाएगा तब भी गवर्नमेंट की रिकवरी हो जाएगी। सैलरी से काट के लिए हमें बकायेदार नहीं होना चाहिए उसमें। इसी तरह से हमारी एक सर छोटा सा है, हाँ, कर्मचारियों का तो वही हाँ जो है हमें उसका कराना चाहिए।